सो इन दिस लेक्चर वी विल स्टार्ट थ्री फेज इंडक्शन मोटर। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरह से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है और इट इज़ कंपलसरी कि कोई भी अगर मशीन है तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो तो वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हो। अगर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होगी तो जो टॉर्क प्रोड्यूस होगी वो इजिली होगी, दैट इज़ द मोटर विल ईजिली प्रोड्यूस इट्स स्टार्टिंग टॉर्क। तो मोटर आसानी से अपनी स्टार्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, तो अब इसी के तहत हम स्टार्ट करते हैं थ्री फेज इंडक्शन मोटर। थ्री फेज इंडक्शन मोटर नाउ अडेज 80 to 85% मोटर्स आर इंडक्शन मोटर। 80 से 85% मोटर जो है वो इंडक्शन मोटर है। उसमें अब थ्री फेज इंडक्शन मोटर भी है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर भी है। जहाँ बल्क पावर यूटिलाइजेशन की बात होती है वहाँ पे हम थ्री फेज इंडक्शन मोटर की बात करते हैं, और जहाँ पे कम पावर यूटिलाइजेशन की बात होती है वहाँ पे हम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की बात करते हैं या उसका हम यूज करते हैं। ठीक है, तो इंडक्शन मोटर में जो हम देखेंगे वो इसकी कंस्ट्रक्शन देखेंगे, वर्किंग देखेंगे, और एक स्लिप टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक है, स्लिप टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट करेंगे। एक स्पीड कंट्रोल भी आपको दिया हुआ है आपके सिलेबस में, लेकिन स्पीड कंट्रोल उतना कंपलसरी नहीं है चूंकि वो आपके लेवल पे नहीं पूछा जाता है, तो हम उसका बस थोड़ा सा बेसिक्स देखेंगे कि क्या होता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर है इसकी जो कंस्ट्रक्शन है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। अब जो इसकी स्टेटर है इसमें सिंपल क्या होता है, एक तो स्टेशनरी पार्ट है, स्टेशनरी पार्ट, एंड एक इज रोटेटिंग पार्ट, रोटेटिंग पार्ट। ठीक है, स्टेशनरी पार्ट स्टेटर कहते हैं, और स्टेटर में ही हम आर्मेचर को रखते हैं, सेम एज सिंक्रोनस मशीन। ठीक है, स्टेटर में ही हम आर्मेचर को रखते हैं, और रोटेटिंग पार्ट तो आप सिंक्रोनस मशीन में रोटर में आप फील्ड वाइंडिंग को रखते थे। यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग इस तरह की कोई भी चीज़ यूज़ नहीं होती है। फील्ड वाइंडिंग का मतलब होता है कि जब हम वाइंडिंग में डीसी सप्लाई दे करके मेन फील्ड फ्लक्स प्रोड्यूस करें तो उसको हम फील्ड वाइंडिंग कहते हैं, लेकिन यहाँ पे हम किसी भी तरह की अलग से कोई डीसी सप्लाई नहीं देते हैं, तो इसके रोटेटिंग पार्ट को सिंपल हम रोटर कहते हैं। ठीक है, तो अब आप देखो इसमें किस तरह की आप सप्लाई दे रहे हो, सिर्फ एक टाइप की सप्लाई दे रहे हो, सिंगल सप्लाई दे रहे हो, और किसको दे रहे हो सप्लाई, आर्मेचर को। मैंने आपको एक चीज और बताया था कि सप्लाई लेने का काम या सप्लाई देने का काम, सप्लाई इज ऑलवेज ड्रॉन फ्रॉम और सप्लाई इज ऑलवेज गिवन टू आर्मेचर। तो सप्लाई हम हमेशा आर्मेचर को देते हैं या आर्मेचर से लेते हैं, चाहे आप आर्मेचर को स्टेटर में रखो, अदरवाइज आप आर्मेचर को रोटर में रखो। ठीक है, तो यहां पर भी आर्मेचर हमारी स्टेटर में है, आर्मेचर में हमने थ्री फेज सप्लाई हम देंगे। ठीक है, और रोटर पार्ट जो है रोटर में किसी भी तरह की एडिशनल सप्लाई नहीं होती है, इसी वजह से इसको हम सिंगली एक्साइटेड मशीन कहते हैं, सिंगली एक्साइटेड मशीन कहते हैं, मतलब सिर्फ एक तरह का हम एक्साइटेशन इसमें देते हैं, सिंगली एक्साइटेड मशीन। देर इज ओनली टाइप ऑफ एक्साइटेशन विच इज गिवन टू आर्मेचर, सो इट इज अ सिंगली एक्साइटेड मशीन। और इसके रोटर को हम सिंपल रोटर कहते हैं, किसी तरह की फील्ड वाइंडिंग इस तरह का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब मैंने बोला कि इसके आर्मेचर को हम इसके आर्मेचर की जो कंस्ट्रक्शन होती है इट इज सिमिलर टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंक्रोनस मशीन। तो सिंक्रोनस मशीन में जैसे आर्मेचर हम कैसे बनाते थे, बोथ स्टेटर एंड रोटर, यहां पर भी जो हमारा स्टेटर एंड रोटर इट इज मेड अप ऑफ हाई ग्रेडेड सिलिकन स्टील एलॉय शीट्स, सिलिकन स्टील एलॉय शीट्स। जो इसके स्टेटर और रोटर है दोनों हाई ग्रेडेड सिलिकन स्टील एलॉय शीट से बना हुआ होता है, और उसमें हम स्लॉट्स कट करते हैं और उन स्लॉट्स में हम कंडक्टर्स को रखते हैं। ठीक है, अब जैसा आप सिंक्रोनस मशीन में कर रहे थे कि आर्मेचर में जैसे हमने ये स्लॉट्स कट किया, इन स्लॉट्स में हमने यहाँ कंडक्टर्स को इनर पेरीफेरी पे, आर्मेचर के इनर पेरीफेरी पे हम स्लॉट्स कट करते हैं, और इन स्लॉट्स में हम कंडक्टर्स को, आप देख सकते हैं ये कंडक्टर्स हमने यहाँ रख दिया, और ये कंडक्टर्स आपस में जुड़ करके वाइंडिंग बनाएंगे। अच्छा एक चीज़ और, चूंकि ये थ्री फेज मशीन है तो जो पूरी मशीन है वो थ्री फेज में बटी हुई होती है। थ्री फेज का मतलब क्या है कि हर एक दो फेज के बीच में 120 डिग्री का फेज डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, तो मान लो आपके पास 240 सपोज करो टर्न्स आ गए या 240 क्वाइल्स आ गया, और थ्री फेज आपके पास है,
तो हर एक फेज में कितने क्वाइल्स आ गए, 80-80 क्वाइल आपके हर एक फेज में आ गए। और कंडक्टर्स कैसे होंगे, मान लिया आपके पास सपोज करो 54 स्लॉट्स हैं, सपोज किया हमने फॉर एग्जांपल 54 स्लॉट्स हैं, हर एक स्लॉट में हमने क्या किया है 10 कंडक्टर को रखा है, तो टोटल कंडक्टर आपके पास कितना हो गया 540। ठीक है, 540 कंडक्टर हो गया, तो क्वाइल कितनी हो गई आपके पास, तो आप दो कंडक्टर का एक क्वाइल तो आपने 2 से डिवाइड कर दिया, ये कितना आ गया 270 जो है ये हमारे यहां पे क्वाइल्स हो गए। ठीक है, और 270 क्वाइल है तो हर फेज में कितना क्वाइल होगा, तो हमने 3 से डिवाइड कर दिया, या हर फेज में कितना नंबर ऑफ टर्न्स होगा, तो हमने 3 से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया 90 टर्न्स पर फेज। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अभी जो हमने बात किया कि जो बोथ इसके स्टेटर एंड रोटर है वो हाई ग्रेडेड सिलिकॉन स्टील एलॉय शीट से बनी हुई होती है। ठीक है, अब जो स्टेटर है या आर्मेचर है उसके इनर पेरिफेरी पे हम स्लॉट्स को ग्रूव करते हैं या स्लॉट्स को हम कट करते हैं, उनमें हम कंडक्टर्स को रखते हैं, उन कंडक्टर्स को आपस में जोड़ करके हम वाइंडिंग बनाते हैं जिसको हम आर्मेचर वाइंडिंग कहते हैं। 3-phase आर्मेचर वाइंडिंग होती है। ठीक है, अब जनरली मैं जनरल बात कर रहा हूँ, जनरली जो आर्मेचर है इट इज डेल्टा कनेक्टेड, जनरली जो आर्मेचर होती है वो डेल्टा कनेक्टेड होती है, डेल्टा कनेक्टेड होती है। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है जनरली। अब ऐसा नहीं है कि स्टार कनेक्शन नहीं हो सकता है, लेकिन जनरल तौर पे ये डेल्टा कनेक्शन होती है। अब इसका रीजन क्या है, तो रीजन ये है कि जो इसमें टॉर्क प्रोड्यूस होती है आप आगे देखेंगे वो वोल्टेज के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। अब मान लो आपने सप्लाई वोल्टेज दिया, तो स्टार कनेक्शन में क्या होता है कि फेज वोल्टेज इज इक्वल टू लाइन वोल्टेज डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3। तो फेज वोल्टेज की वैल्यू मान लो 400 वोल्ट आपने दिया, 400 वोल्ट, तो 231 वोल्ट जो है वो फेज में वोल्टेज आएगी। अब 231 वोल्ट अगर फेज में वोल्टेज आ रही है तो जो टॉर्क होगी वो 231 के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी, और एक बार अगर टॉर्क आ रही है तो वो अगर डेल्टा कनेक्शन है तो 400 वोल्ट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी। तो चूंकि स्टार्टिंग में टॉर्क हमें ज्यादा चाहिए, जैसे आप बाइक स्टार्ट करते हैं तो बाइक में स्टार्टिंग में आपको टॉर्क ज्यादा लगाना पड़ता है, और जब बाइक हमारी रनिंग कंडीशन में आ जाती है तो उसकी टॉर्क कम हो जाती है। तो इस वजह से हम जनरली इसके आर्मेचर को ये इसकी आर्मेचर है वो डेल्टा कनेक्टेड होती है। ठीक है, ये हमने बेसिक बात किया, ये तो स्टेटर की बात हो गई। अब जो इसमें रोटर है, दो तरह की रोटर इसमें होती है। ठीक है, एक होता है जिसको हम कहते हैं सिंपल केज रोटर या इसको कहते हैं स्क्वायरल केज रोटर। ठीक है, ये पहला है। एंड सेकेंड वन इज इसको हम कहते हैं वाउंड रोटर, WOUND वाउंड रोटर, या इसको हम कहते हैं स्लिप रिंग रोटर। अब देखो, जिस तरह का रोटर आप मशीन में इस्तेमाल कर रहे हैं उसी आधार पे मशीन का नाम हम देते हैं। अगर हमने केज रोटर या स्क्वेरल केज रोटर का इस्तेमाल किया तो जो मोटर की नाम होगी वो क्या हो जाएगी, स्क्वेरल केज इंडक्शन मोटर। और अगर हमने वाउंड रोटर का इस्तेमाल किया या स्लिप रिंग रोटर का इस्तेमाल किया तो जो मशीन होगी वो स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर या वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर। ठीक है, वन मोर थिंग कि जो एयर गैप होती है, द एयर गैप बिटवीन स्टेटर एंड रोटर, आप ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो एयर गैप है बिटवीन आर्मेचर या स्टेटर एंड रोटर इज मिनिमम एज पॉसिबल इन केस ऑफ 3-phase इंडक्शन मोटर। जनरली द एयर गैप इज इन द रेंज ऑफ 0.4 mm इन केस ऑफ 3-phase इंडक्शन मोटर। तो इंडक्शन मोटर के केस में जो एयर गैप होती है स्टेटर और रोटर के बीच में, ये हम कम से कम रखते हैं। जनरली कितना रखते हैं, 0.35 mm, 0.4 mm के आसपास हम रखते हैं। इसका कारण क्या है तो आप इसको नोट कर लें। जो फर्स्ट इसका रीजन है, पहली बात तो ये है कि अभी आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि देयर इज नो सेपरेट सप्लाई टू द रोटर, रोटर में कोई सेपरेट सप्लाई नहीं होती है। ठीक है, तो अगर सेपरेट सप्लाई नहीं होगी तो पहली जो रीजन है, जो एयर गैप को हम कम से कम रखते हैं, उसका पहला रीजन है कि टू मिनिमाइज लीकेज फ्लक्स। लीकेज फ्लक्स को कम से कम करने के लिए हम क्या करते हैं, एयर गैप को एज मिनिमम एज पॉसिबल रखते हैं। एयर गैप इज कैप्ट एज मिनिमम एज पॉसिबल इन बिटवीन स्टेटर एंड रोटर। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है। तो पहला है कि टू मिनिमाइज लीकेज फ्लक्स, जो फ्लक्स लीक करे उसकी वैल्यू को हम कम से कम करने के लिए ऐसा करते हैं। दूसरा क्या है,
कि टू इम्प्रूव पावर फैक्टर, पावर फैक्टर को भी इम्प्रूव करने के लिए हम ऐसा करते हैं, टू इम्प्रूव पावर फैक्टर। अब ये क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, इसको आप यहाँ पर डिटेल डिस्कशन मत करो, जब आप मशीन पढ़ेंगे तो आप उसमें देखना, टू इम्प्रूव पावर फैक्टर। यही दो रीज़न है जिसकी वजह से द एयर गैप बिटवीन स्टेटर एंड रोटर इज कैप्ट एज मिनिमम एज पॉसिबल। ठीक है, तो अब हम देखते हैं जो दोनों टाइप के रोटर हमने इसमें यहाँ पे चर्चा की है, दोनों टाइप का रोटर क्या होता है, किस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं, देखते हैं। सो फर्स्ट वी स्टार्ट स्क्वेरल केज रोटर। ठीक, अब ये स्क्वेरल केज रोटर किस तरह से होती है, देखो जो हम इस तरह से एक बार मैं बनाता हूं, आप देखें, कुछ इस तरह से इसका कंस्ट्रक्शन होता है। इस तरह से ये स्क्वायरल केज रोटर होती है। अब ये क्या, ऐसे मैंने क्या बनाया है, देखो आप हम करते क्या है कि जो स्क्वायरल केज रोटर होती है उसमें हम जो रोटर में आप स्लॉट्स कट करते हैं, ठीक है, उन स्लॉट्स में हम अनइंसुलेटेड, ध्यान से सुनना, अनइंसुलेटेड कॉपर, एल्यूमिनियम या ब्रास के बार्स को रखते हैं। ठीक है, जो आपने स्लॉट्स कट किया उन स्लॉट्स में हम कॉपर, एल्यूमिनियम या ब्रास के बार्स को हम रखते हैं। ठीक है, अब ये जो जैसे ये रोटर है तो इसका जैसे आप समझ लें जो पिंजड़ा होता है, केज होता है, केज में क्या होता है, आप देखते हैं कि ये एक और दो, ये जो दो आयरन के बार्स होते हैं इसके बीच में स्पेस होता है। उसी तरीके से आप देखिए हमने जो यहाँ पे स्लॉट्स है इन स्लॉट्स में हमने कंडक्टर्स को रखा। ठीक है, कंडक्टर्स कैसा है, एन अनइंसुलेटेड कॉपर, अनइंसुलेटेड का मतलब जैसे पंखे में आप वाइंडिंग देखो तो उसमें क्या होता है, इंसुलेशन का एक लेयर होता है, लेकिन यहाँ पे अनइंसुलेटेड है, जो आप बार्स जैसे इस तरह का बार होगा, ठीक है, इस तरह का बार हम उसमें रखते हैं, तो अनइंसुलेटेड कॉपर, एल्यूमिनियम चाहे ब्रास, डिपेंडिंग अपॉन द इकोनॉमी किस तरह का आप मशीन इस्तेमाल करते हैं, या अनइंसुलेटेड कॉपर, एल्यूमिनियम, ब्रास के बार्स का हम उसमें इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब इनको हम क्या करते हैं, स्लॉट्स में रखते हैं, और जो दोनों साइड है उन दोनों साइड से हम उन बार्स को शॉर्ट सर्किट करके रखते हैं थ्रू द रिंग ऑफ सेम मटेरियल। अब मैं फिर से इसको रिपीट कर दे रहा हूं, अनइंसुलेटेड कॉपर, एल्यूमिनियम और ब्रास बार्स आर प्लेस्ड इन द स्लॉट्स विच आर शॉर्ट सर्किटेड ऑन द बोथ एंड्स विद द रिंग ऑफ सेम मटेरियल। ठीक है, तो आपने क्या किया, जैसे इस तरह से अनइंसुलेटेड कॉपर, एल्यूमिनियम या ब्रास के बार्स को ले लिया, मान लो ये एक बार हो गई, ये दूसरी बार हो गई, तीसरी, चौथी, इस तरह से, और दोनों साइड से आपने क्या किया, एक रिंग लगा दिया। जैसे अगर हमने कॉपर लिया है तो इस तरह कॉपर की रिंग लगा दी, इधर भी कॉपर की रिंग लगा दी, तो ये शॉर्ट सर्किटेड होता है। ठीक है, अच्छा अब आप देख सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये मैंने इसको टेढ़ा क्यों बनाया, जो हम स्क्विरल केज रोटर है, स्क्वायरल केज रोटर को जो इसमें जो हम स्लॉट्स कट करते हैं, इट इज नॉट एग्जैक्टली पैरेलल टू द शाफ्ट। ठीक है, फिर से सुन लो मेरी बात, जो हम स्क्वायरल केज रोटर में स्लॉट्स कट करते हैं, या स्क्वायरल केज रोटर में जो हम कंडक्टर्स को रखते हैं, या अनइंसुलेटेड कॉपर, एल्यूमिनियम, ब्रास के बार्स को रखते हैं, इट इज नॉट एग्जैक्टली पैरेलल टू द शाफ्ट। जनरली क्या होता है, अगर ये आपकी शाफ्ट है तो जो आप स्लॉट्स कट करेंगे आर्मेचर में वो इसके बिल्कुल पैरेलल होता है, एक स्लॉट यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, चौथा यहाँ है, इन स्लॉट्स में आप कंडक्टर्स को इस तरह से रखते हैं। लेकिन अगर ये आपकी स्लॉट है तो यहाँ पे जो मतलब आपकी स्क्वायरल केज रोटर में स्लॉट्स होगी वो इससे थोड़ा सा टिल्टेड होगी, ऐसे थोड़ी सी टेढ़ी होगी। ऐसा क्यों होता है, ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं आपको बताता हूं कि इन द रोटर ऑफ स्क्वायरल केज रोटर, द रोटर ऑफ, या आप ऐसे लिख लो, द रोटर इज स्लाइटली स्क्यूड SKEWED बाय वन स्लॉट पिच। अब आप पूछ सकते हैं वन स्लॉट पिच मैंने क्या बता दिया, देखो
जो हम यहाँ पे रोटर है इसको हम स्लाइटली स्क्यू मतलब थोड़ा सा हम टेढ़ा करके रखते हैं बाई वन स्लॉट पिच। कितना हम टेढ़ा करते हैं? जो एक स्लॉट की एंगल होती है उतना ही हम इसको टेढ़ा करके रखते हैं। सो द रोटर इज स्लाइटली स्क्यूड बाई वन स्लॉट पिच। ऐसा क्यों होता है कि रोटर को आप स्क्यू करके रखते हैं? पहला रीजन होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई द रोटर ऑफ स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर इज स्लाइटली स्क्यूड। तो इसका पहला रीजन होता है सो दैट मोर यूनिफॉर्म टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड। पहली बात, मोर यूनिफॉर्म टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड, कि जो टॉर्क प्रोड्यूस हो वो मोर यूनिफॉर्म हो, ठीक है। एंड ऑपरेशन बिकम्स लेस नॉइजी, एंड ऑपरेशन बिकम्स लेस नॉइजी, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई, यूनिफॉर्म टॉर्क प्रोड्यूस होगा, एक समान सा टॉर्क प्रोड्यूस होगा। अगर एक समान टॉर्क प्रोड्यूस होगा तो जो ऑपरेशन होगी वो लेस नॉइजी ऑपरेशन होगी, बहुत ज़्यादा शोरगुल नहीं होगा, ठीक है। आप पंखा चलाते हैं, देखते हैं ये काफ़ी नॉइजी ऑपरेशन होता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब लेस नॉइजी ऑपरेशन होना चाहिए। सेकेंड चीज़ है कि जो लॉकिंग टेंडेंसी है, लॉकिंग टेंडेंसी ऑफ रोटर इज मिनिमाइज्ड। अब ये लॉकिंग टेंडेंसी, इसको हम क्या कहते हैं? कॉगिंग। आप बस वर्ड ध्यान रखना। अब इसमें क्या होता है, देखो हम करते क्या है, अगर स्टेटर एंड रोटर के स्लॉट्स को मान लो, ये स्टेटर का स्लॉट है ऐसे समझो और ये रोटर का स्लॉट्स, अगर ये दोनों एक दूसरे के एग्जैक्टली आमने सामने होता है, तो एग्जैक्टली आमने सामने होने से क्या होता है, वहां पर जो फ्लक्स प्रोड्यूस होती है वो फ्लक्स एक स्टेबल पोजिशन होता है, तो जो मशीन है उसकी टेंडेंसी होती है कि वो उस पोजीशन को छोड़ करके आगे बढ़ना नहीं चाहता। दैट इज द मोटर रिफ्यूजेस टू स्टार्ट, मोटर हमारा रिफ्यूज कर देता है स्टार्ट करने से। अब ऐसा, इसको हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक लॉकिंग। जब स्टेटर एंड रोटर के स्लॉट्स आमने सामने हो, अगर उसकी वैल्यू आपस में बराबर हो या इंटीग्रल मल्टीपल में हो, तो क्या होता है कि जो वहां पे फ्लक्स बनती है वो एक स्टेबल फ्लक्स बनती है, और वो उस पोजीशन को छोड़ करके मोटर हमारी या रोटर हमारी आगे नहीं बढ़ना चाहती है, तो इसी को हम कहते हैं कॉगिंग। ये यहाँ पे स्टेटर एंड रोटर के जो टिथ हैं ये आपस में लॉक हो जाते हैं, ठीक है। मैं डिटेल इस पर चर्चा नहीं करना चाह रहा है, बस आपको कॉगिंग मैंने जो वर्ड यूज़ किया इसी को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा था कि स्टेटर एंड रोटर के जो टिथ हैं वो आपस में मैग्नेटिकली लॉक हो जाते हैं। तो ये लॉकिंग टेंडेंसी भी मिनिमाइज हो सके, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो रोटर है उसको स्लाइटली स्क्यू कर, थोड़ा सा टेढ़ा करके रखते हैं कि आमने सामने हो ही नहीं और ये टेंडेंसी कभी क्रिएट हो ही नहीं, ठीक है। तो ये हमने बात किया स्क्वायरल केज रोटर, अभी इसके हम एडवांटेज की बात करेंगे आगे। अब दूसरा है वाउंड रोटर या स्लिपरिंग रोटर, ठीक है। अब आप समझिए एक चीज और यहां पे मैं बताता हूं आपको, जो स्क्वायरल केज रोटर की बात कर रहे थे हम, अनइंसुलेटेड कॉपर एल्युमिनियम या ब्रास के बार्स को हम इस्तेमाल करते हैं जिसकी रेजिस्टेंस बहुत कम होती है, हैविंग वेरी लो रेजिस्टेंस, जिसकी रेजिस्टेंस जो है वो बहुत कम होती है, ठीक है। अब देखो हम वाउंड रोटर की बात करते हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं, जो आपकी रोटर है वो स्लॉटेड होती है, इस तरह का कंस्ट्रक्शन नहीं होता है, रोटर का कुछ इस तरह से होती है, जैसे आप सिंपल ऐसे स्लॉट कट करके और इसमें आप कंडक्टर्स को रखते थे, तो इसमें इंसुलेटेड कंडक्टर्स का हम इस्तेमाल करते हैं। ये मान लिया हमारी रोटर हो गई, ठीक है। इस और रोटर के हम आउटर पेरीफेरी पे कंडक्टर्स को, स्टेटर के हम इनर पेरीफेरी पे, और रोटर के आउटर पेरीफेरी पे हमने कंडक्टर्स को यहाँ पे रख दिया। अब इन कंडक्टर्स को हम आपस में जोड़ते हैं और ये थ्री फेज वाइंडिंग बनाएगी, जनरली ये स्टार कनेक्टेड होती है। मान लो मैंने स्टार में कनेक्ट कर दिया, अब यहां से मैंने ये तीन पॉइंट्स निकाल दिए। अब देखिए मैं जो बताना चाह रहा हूं, ये आपकी शाफ्ट है, दिस इज शाफ्ट। अब ये जो हमारे यहां पे क्या होता है, एक सेकेंड, ये दिस इज स्लिपरिंग और यहीं पे एक ब्रश लगी हुई होती है, स्लिपरिंग और ब्रश। स्लिपरिंग चूंकि रिंग होती है यहां पे मैं बना नहीं पाऊंगा, तो हमने यहां पे इस तरह से स्लिपरिंग और ब्रश इसके ऊपर लगा दिया, ठीक है।
तो ये यहाँ से आई और कुछ यहाँ पे कनेक्ट हो गई, यहाँ से कनेक्ट हो गई, ये फिर यहाँ से कनेक्ट हो गई, और ये फिर अब ये क्या है, दिस इज स्लिप रिंग, SLIPRING, स्लिप रिंग, और ये क्या है, ब्रशेस। और फिर यहां से इस तरह से ये वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, यहां से जाकर के ये कुछ कनेक्ट ऐसे हो जाती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझो, मैं एक बार समझाता हूं। इसकी जो वाउंड रोटर है या स्लिप रिंग रोटर है, इसमें क्या होता है, जैसे आप नॉर्मल रोटर रोटर रखते हैं, ये रोटर है, इसके बाहर में हमने स्लॉट्स कट किया, बाहर आउटर पेरिफेरी पे इसमें कंडक्टर्स को रखा, ये आपस में जुड़ करके थ्री फेज वाइंडिंग बनाते हैं। तो ऑब्वियस है, थ्री फेज वाइंडिंग है तो या तो स्टार या तो डेल्टा कनेक्टेड होगी, तो ये जनरली स्टार कनेक्टेड होती है। और ये स्लिप रिंग के थ्रू, स्लिप रिंग एंड ब्रशेस के थ्रू एक वेरिएबल रेजिस्टेंस से कनेक्टेड होती है। अब आप ध्यान रखो क्या होता है, जो इंडक्शन मोटर में टॉर्क प्रोड्यूस होती है वो रोटर के रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होती है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, इंडक्शन मोटर, एक तो पहले मैंने बताया कि वोल्टेज के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, वो भी ठीक है, और जो इंडक्शन मोटर में टॉर्क प्रोड्यूस होती है वो रोटर के रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें खासियत होती है कि यू कैन ऐड एडिशनल रेजिस्टेंस टू द रोटर सर्किट, जो हमने एडिशनल रेजिस्टेंस को ऐड किया। अब इंडक्शन मोटर में, अभी मैंने आपको बताया कि स्टार्ट जो टॉर्क होती है वो रोटर के रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होती है। अच्छा, अब मुझे बताओ कि टॉर्क की वैल्यू मोटर को स्टार्ट करते समय हमें ज्यादा चाहिए या रनिंग कंडीशन में ज्यादा चाहिए? ऑब्वियस है, स्टार्ट करते समय ज्यादा चाहिए, लेकिन रनिंग कंडीशन में हमें कम चाहिए, उतनी टॉर्क नहीं चाहिए। तो हमें क्या करना है, स्टार्टिंग में तो रोटर रेजिस्टेंस हमारे पास ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन रनिंग कंडीशन में हमारे पास रोटर रेजिस्टेंस ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम मैन्युअली क्या करते हैं कि इस रोटर जो यहाँ पे ये एडिशनल रेजिस्टेंस, इसको हम वेरी कराते हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ वेरिएबल दिखाया। तो स्टार्टिंग में हम ज्यादा रेजिस्टेंस लेते हैं, फिर जब मोटर हमारी आगे बढ़ने लगी, स्पीड अप होने लगी, इस रेजिस्टेंस को कटआउट करते जाते हैं, कटआउट करते जाते हैं, और फाइनली जब मशीन हमारी रनिंग कंडीशन में पहुंचती है तो इस रेजिस्टेंस को हम पूरी तरह से कट कर देते हैं। बात समझ में आ गई? फिर से मैं कह रहा हूं कि स्टार्टिंग में हमें ज्यादा टॉर्क चाहिए तो रोटर रेजिस्टेंस ज्यादा चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे पूरा रेजिस्टेंस इस्तेमाल करते हैं। जो इसकी रोटर की रेजिस्टेंस है वो तो है ही, एडिशनल रेजिस्टेंस हमने इसमें जोड़ लिया। जब मोटर हमारी स्पीड अप होती है तो स्पीड अप होने पर क्या होता है, हमें कम रेजिस्टेंस चाहिए रोटर की, तो हमने इसको कट किया, फिर और कट किया, फिर और कट किया, फाइनली इसको हमने जीरो कर दिया। तो रोटर रेजिस्टेंस जो हमारी अब एक्चुअल रोटर की रेजिस्टेंस है वो ही रहती है, एडिशनल रेजिस्टेंस नहीं रहती है। बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब अब मुझे बताओ, अगर मैं टॉर्क की बात करूं तो स्टार्टिंग परफॉर्मेंस किस मशीन की बेहतर होगी? वाउंड रोटर की। कारण इसमें आपके पास सुविधा है कि अरेंजमेंट आप करके और स्टार्टिंग में एडिशनल रेजिस्टेंस को जोड़ सकते हो, लेकिन क्या आप स्क्वायरल केज में जोड़ सकते हो? नहीं, इसमें आपको कहीं से कोई अरेंजमेंट नहीं है जिसके माध्यम से आप इसमें कोई एडिशनल रेजिस्टेंस को जोड़ पाओ, ठीक है। दूसरी चीज हमने यहां लिखा हैविंग वेरी लो रेजिस्टेंस, इसकी रेजिस्टेंस बहुत कम होती है। तो आपसे अगर ये पूछा जाए कि स्टार्टिंग परफॉर्मेंस किस मशीन की बेहतर होती है, तो वो है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की या वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर की। और रनिंग परफॉर्मेंस किस मशीन की बेहतर होती है, तो वो है स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की, स्क्वायरल केज रोटर की, ठीक है। तो ये तो हमने कुछ बेसिक बात की। अब हम देखते हैं कि एडवांटेज कंपैरिजन हम करते हैं, ठीक है, कंपैरिजन ऑफ रोटर्स, जो हमने यहाँ दो रोटर पढ़ा है उसका हम कंपैरिजन करते हैं। तो अब देखो, एडवांटेजेस ऑफ स्क्वायरल केज रोटर, एडवांटेज ऑफ स्क्वायरल केज रोटर। अब देखो, जो एडवांटेज स्क्वायरल केज की होगी वो डिसएडवांटेज स्लिप रिंग की होगी, और जो स्लिप रिंग की एडवांटेज होगी वो स्क्वायरल केज की डिसएडवांटेज होगी। तो पहला एडवांटेज इसका हम क्या देखते हैं, देखो फर्स्ट इज ये जो इसका कंस्ट्रक्शन होता है रॉबस्ट होता है, रॉबस्ट इन कंस्ट्रक्शन। रॉबस्ट का मतलब क्या, रफ एंड टफ होता है, आप कहीं भी कैसे भी इस्तेमाल करो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो रॉबस्ट इन कंस्ट्रक्शन, ठीक है। और क्या है, चीपर भी होता है, और दूसरी चीज क्या, सस्ती भी होती है, ठीक है।
एक तो रॉबस्ट हो गया, सेकेंड इज चीपर। अब हम थर्ड बात करें, अब आप देखो हम एक बार देखते हैं यहाँ पे, क्या इसमें हम किसी तरह के ब्रश का इस्तेमाल कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसमें आप कर रहे हो? बिल्कुल कर रहे हैं हम। तो अगर आपने ब्रश का इस्तेमाल किया तो क्या होगा, ब्रश पे स्पार्किंग हो सकती है, ब्रश घिस सकता है हमारा टाइम टू टाइम, उसमें डीके हो सकता है। और अगर हमारा ब्रश घिस गया, मान लो ये ब्रश का सरफेस है, अगर ये सरफेस घिस गया तो ये यहाँ पे खाली जगह हो जाएगा, और जब ये जगह खाली हो गया तो क्या होगा, स्पार्किंग होगी। तो मतलब इसमें हमें टाइम टू टाइम मेंटेनेंस की जरूरत होगी, ठीक है। लेकिन क्या इसमें किसी तरह की मेंटेनेंस की जरूरत है? ब्रश ही नहीं है तो हमें किसी तरह की मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है। तो दूसरा जो पॉइंट हो जाएगा कि एब्सेंस ऑफ ब्रश ड्यू टू, या एब्सेंस ऑफ ब्रश ऐसे लिखो, एब्सेंस ऑफ ब्रश रिड्यूस द चांस ऑफ स्पार्किंग, द चांस ऑफ स्पार्किंग, ठीक है। इसमें ब्रश नहीं होता है, और ब्रश नहीं होने के कारण जो चांसेस ऑफ स्पार्किंग है वो भी इसमें ना के बराबर होता है। तीसरी चीज, चौथी चीज मैंने बताई कि मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम है, सो लोअर मेंटेनेंस कॉस्ट, लोअर मेंटेनेंस कॉस्ट, ठीक है, मेंटेनेंस कॉस्ट भी इसकी कम होती है। और अगर आप बात करो तो देखो, जहां पे ज्यादा रेजिस्टेंस, यहां पे आपकी रेजिस्टेंस ज्यादा, तो रेजिस्टेंस अगर ज्यादा है तो आई स्क्वायर आर लॉस क्या होगी, जो ओमिक लॉस है उसकी वैल्यू क्या होगी, ज्यादा, कॉपर लॉस ज्यादा होगी। लेकिन यहां पे रेजिस्टेंस कम है तो आई स्क्वायर आर लॉस कम होगी। अगर लॉसेस कम है तो इसकी एफिशिएंसी क्या होगी, ज्यादा। सो आप लिख सकते हैं मोर एफिशिएंट, ये जो है इसकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है, मोर एफिशिएंट। सिक्स पॉइंट पे आप क्या लिख सकते हैं, पावर फैक्टर की अगर हम बात करें तो हायर पावर फैक्टर, इसकी जो पावर फैक्टर होती है वो भी बेहतर होती है इन कंपैरिजन टू स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। तो ये हमने कंपेयर किया, ये हमने देखा एडवांटेज स्क्वायरल केज रोटर की। अब हम दूसरा बात करें, अब हम लेते हैं एडवांटेज ऑफ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में पहला एडवांटेज क्या है, हाई स्टार्टिंग टॉर्क, हाई स्टार्टिंग टॉर्क, इसकी जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो ज्यादा होती है, एंड लो स्टार्टिंग करंट, स्टार्टिंग करंट भी हमारी इसमें कम होती है। देखो एक्चुअली जब आप इंडक्शन मोटर चलती है तो आप देखते होंगे ड्रिल मशीन जैसे लगती है तो वोल्टेज बिल्कुल डिम हो जाती है, या आपका फ्रिज जैसे स्टार्ट होता है तो वोल्टेज थोड़ी सी कम होती है। एक्चुअली इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग करंट 5 to 7 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट होती है, काफी ज्यादा होती है स्टार्टिंग में। तो अगर करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी तो वो क्या कर सकता है, जो आपके घर में या लाइन में अलग से जो लोड्स लग रहे हैं उसको डैमेज कर सकता है। तो स्टार्टिंग करंट इसमें कम होती है, ठीक है, कारण रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट हमारी कम हो जाती है, और टॉर्क भी इसमें बेहतर होता है। दूसरा, स्पीड कंट्रोल इज इजी, इसकी स्पीड कंट्रोल जो है वो भी आसान है, ठीक है, स्पीड कंट्रोल इसकी आसान है। ये हमने कंपैरिजन किया कंस्ट्रक्शन की बात की, स्क्वायरल केज एंड स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की, ठीक है। नाउ वी कम द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, ठीक है, नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझिए, ठीक है। देखो जैसे हमने ये मशीन ले लिया, हमने मान लिया कि हर एक फेज में जैसे आप दो दो कंडक्टर रखते थे, आर आर डैश, वाई वाई डैश, और यहां पे हमने ले लिया बी बी डैश, ठीक है। ये हमने स्टेटर में कंडक्टर्स को इस तरह से रख लिया। आप इसमें सप्लाई दे रहे हैं तो मान लो आपने थ्री फेज इंडक्शन मोटर है तो आर फेज में सप्लाई दे दिया, वाई फेज में सप्लाई दे दिया, और यहां बी फेज में आपने सप्लाई दे दिया, थ्री फेज सप्लाई आपने मशीन में दे दी, ठीक है। अब इसके अंदर मैं यहां पे रोटर बना देता हूं, ये हमने यहां रोटर बना लिया, ठीक है, रोटर में इस तरह से। अच्छा, अब आपको एक चीज मैं बता दूं, जो रोटर है इसमें सबसे ज्यादा रोटर, दो रोटर आपने पढ़ा है स्क्वायरल केज और स्लिप रिंग, तो जो खासियत स्क्वायरल केज की है ये इसको जनरल पर्पस यूज के लिए बहुत बेहतरीन बनाता है। तो इंडक्शन मोटर में जो 90% मोटर है, 90% मोटर थ्री फेज इंडक्शन मोटर, वो स्क्वायरल केज मोटर होती है। जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है इसके स्पेसिफिक यूज होते हैं, जहां पे हमें जैसे हाई स्टार्टिंग टॉर्क, मान लो कोई ट्रक खड्डे में गिर गया, उस ट्रक को हमें उस खड्डे से निकाल करके बाहर लाना है तो वहां पे स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ज्यादा चाहिए, तो उस तरह के लोड को ड्राइव करने के लिए हमें स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का इस्तेमाल करते हैं। रफ एंड टफ जो मोटर है वो हमारी केज रोटर होती है या स्क्वायरल केज। अब इस पर हम देखते हैं, ठीक है, अब
देखो यहाँ पे हमने थ्री फेज सप्लाई दिया है। अब जो जो बात मैं बताऊंगा उसको आप एक एक करके समझते जाइएगा। जैसे ही आप थ्री फेज सप्लाई देते हैं तो थ्री फेज सप्लाई आपने अभी पीछे पढ़ा था कि थ्री फेज सप्लाई देने पे किस तरह की मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो जैसे ही हम थ्री फेज सप्लाई स्टेटर में देते हैं तो एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है उसकी जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड किस स्पीड पर रोटेट करती है, तो सिंक्रोनस स्पीड पर रोटेट करती है। तो जैसे ही हम थ्री फेज सप्लाई देते हैं स्टेटर में या आर्मेचर में एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनती है, जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एयर गैप में, अब एयर गैप कौन सा है, ये स्टेटर और रोटर इसके बीच में ये एयर गैप है, एयर गैप में ये सिंक्रोनस स्पीड पर रोटेट करती है, एनएस स्पीड पर रोटेट करेगी, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन ऑफ, मैंने क्लॉकवाइज क्यों दिखा दिया, इसकी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन डिपेंड्स ऑन फेज सीक्वेंस, फेज सीक्वेंस पर ये डिपेंड करता है, ठीक है। अब फेज सीक्वेंस क्या होता है, वो सीक्वेंस जिस सीक्वेंस में वोल्टेज या करंट अपने मैक्सिमम वैल्यू को गेन करते हैं हर एक फेज में, उसी को हम फेज सीक्वेंस कहते हैं। अब फिर से मैं रिपीट करता हूं, व्हेन थ्री फेज सप्लाई इज गिवन टू आर्मेचर ऑफ इंडक्शन मोटर ए रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड एंड द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटेट्स इन एयर गैप एट सिंक्रोनस स्पीड एंड इट्स डायरेक्शन ऑफ रोटेशन डिपेंड्स ऑन फेज सीक्वेंस। इसको आप नोट कर लें, ठीक है। जैसे ही आपने थ्री फेज सप्लाई दिया एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनी, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एयर गैप में सिंक्रोनस स्पीड पर रोटेट करेगी और उसकी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन फेज सीक्वेंस पर डिपेंड करेगी, ठीक है। अब देखिए ये जो एयर गैप है इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड बन गई और ये मैग्नेटिक फील्ड सिंक्रोनस स्पीड पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही, तो क्या होगा, अब यहां रोटर में कंडक्टर्स है और रोटर आपकी अभी स्टेशनरी पड़ी हुई है, तो देयर विल बी फ्लक्स कटिंग इन रोटर कंडक्टर्स। तो रोटर में क्या होगा, फ्लक्स कटिंग होगी, रोटर के जो कंडक्टर्स हैं स्टेशनरी जो अभी हैं स्थिर हैं उसमें क्या होगा, फ्लक्स कटिंग होगी। फ्लक्स कटिंग होगी तो क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगी, जो रोटर है उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी, ठीक है। अब ईएमएफ इंड्यूस है चूंकि अभी आपने पीछे पढ़ा था कि रोटर क्या होता है, हमेशा शॉर्ट सर्किटेड होती है, तो रोटर शॉर्ट सर्किटेड होती है सो रोटर में एक करंट का फ्लो होना शुरू होगा, तो ईएमएफ इंड्यूस हुई, चूंकि रोटर शॉर्ट सर्किटेड होती है तो रोटर की अपनी एक करंट हो जाएगी। फिर से मैं इस चीज को रिपीट कर दे रहा हूं, आपने थ्री फेज सप्लाई दिया एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनी, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एयर गैप में सिंक्रोनस स्पीड पर रोटेट करेगी और इसकी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन फेज सीक्वेंस पर डिपेंड करेगी, ठीक है। अब जो स्टेशनरी रोटर कंडक्टर्स हैं, देयर विल बी फ्लक्स कटिंग इन स्टेशनरी रोटर कंडक्टर्स एंड सो द ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड इन रोटर, तो ईएमएफ रोटर में इंड्यूस हो गई, सिंस रोटर इज शॉर्ट सर्किटेड, चूंकि रोटर शॉर्ट सर्किटेड होती है सो अ करंट स्टार्ट्स टू फ्लो इन द रोटर सर्किट, तो रोटर के अंदर एक करंट का फ्लो होना शुरू हो जाएगा। अब यहां पे जो पॉइंट है वो आप समझिए, स्टेटर में पहले से करंट फ्लो कर रही थी तो स्टेटर की अपनी एमएमएफ थी F1, स्टेटर को हम 1 से दिखाएंगे और रोटर को हम 2 से दिखाएंगे। स्टेटर में पहले से आपने सप्लाई दिया था, स्टेटर की अपनी करंट थी और रोटर में जब करंट प्रोड्यूस हो गई तो रोटर की भी अपनी एमएमएफ हो गई F2। ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ दीज टू एमएमएफ, ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ दीज टू एमएमएफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड। अच्छा अब यहां पे आप क्वेश्चन मत करना कि किस तरह से दो मैग्नेटिक फील्ड के इंटरेक्शन के कारण टॉर्क प्रोड्यूस होता है, ये मशीन में देखेंगे कि टॉर्क प्रोडक्शन के लिए क्या क्या चीजें चाहिए हमें। अब आप यहां पे बस ये चीज याद रखना कि दो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई, एक तो रोटर की मैग्नेटिक फील्ड, स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड, अब एक रोटर में जब करंट फ्लो होना शुरू हुआ तो रोटर की भी मैग्नेटिक फील्ड हो गई, चाहे आप मैग्नेटिक फील्ड कह लो, चाहे आप एमएमएफ कह लो, चाहे आप फ्लक्स कह लो, एक ही बात है। तो ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ दीज टू एमएमएफ, स्टेटर एंड रोटर एमएमएफ, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इसमें प्रोड्यूस होगी, ठीक है। और जब टॉर्क प्रोड्यूस होगी तो विच विल हैव द टेंडेंसी टू रोटेट द रोटर, जब टॉर्क प्रोड्यूस हो गई तो उसकी टेंडेंसी होगी कि वो रोटर को रोटेट कराना शुरू करे। तो अब क्वेश्चन उठता है कि या तो रोटर क्लॉकवाइज में रोटेट करेगी या तो रोटर एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करेगी, ठीक है। तो रोटर किस डायरेक्शन में रोटेट करेगी, तो अब लेंजेज लॉ क्या कहता है, लेंज लॉ हमारा कहता है कि इफेक्ट अपोजेज द कॉज, इफेक्ट जो है वो कॉज को प्रभावित करता है, अपोज करता है, तो इफेक्ट अपोजेज द कॉज। यहां पे इफेक्ट हमारा क्या है, इसको ध्यान से समझो, इफेक्ट है आपका टॉर्क का प्रोडक्शन,
टॉर्क हमारा प्रोड्यूस होना, टॉर्क का प्रोडक्शन। और कारण क्या है, क्यों, किस कारण से हमारी टॉर्क प्रोड्यूस हुई है, ये है फ्लक्स कटिंग। फ्लक्स कटिंग हुई है उसी कारण से जो है वो टॉर्क प्रोड्यूस हुई है। तो टॉर्क मोटर को कुछ एज पर लेंज लॉ, टॉर्क मोटर को कुछ उस डायरेक्शन में रोटेट कराने की कोशिश करेगा ताकि फ्लक्स कटिंग मिनिमाइज हो। फिर से सुनो, टॉर्क मोटर को कुछ उस डायरेक्शन में रोटेट कराने की कोशिश करेगा ताकि फ्लक्स कटिंग मिनिमाइज हो। तो अब आप बताइए, क्या ये डायरेक्शन ऑफ मतलब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही रोटेट करेगी या उसके अपोजिट करेगी? हम मानते हैं अपोजिट करेगी। तो देखो, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में एनएस में रोटेट कर रही है, और अगर रोटर अपोजिट एनआर में रोटेट करने लगेगा तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? देखिए आप, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, एनएस माइनस ऑफ माइनस एनआर, मतलब एनएस प्लस एनआर रिलेटिव स्पीड हो गई। तो रिलेटिव स्पीड बढ़ी या घटी? बढ़ गई। अगर रिलेटिव स्पीड बढ़ गई तो फ्लक्स कटिंग घटेगी या बढ़ेगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, फिर से सुन लो, अगर रोटर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेगा तो क्या होगा, दोनों अपोजिट इस तरह से आएंगे, तो रिलेटिव स्पीड दोनों की क्या होगी, ns माइनस ऑफ माइनस nr। सो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, ns प्लस nr, रिलेटिव स्पीड बढ़ गई, और रिलेटिव स्पीड बढ़ गई तो फ्लक्स कटिंग बढ़ जाएगी, जो कि नहीं होना चाहिए। अगर फ्लक्स कटिंग बढ़ जाएगी तो लेंज लॉ हमारा जो है वो यहाँ पे स्थापित नहीं होगा। तो होना क्या चाहिए, द रोटर विल स्टार्ट टू रोटेट इन द सेम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो रोटर क्या होगा, उसी डायरेक्शन में रोटेट करेगा जिस डायरेक्शन में आपकी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटेट हो रही है। अब क्या होगा, अब जो रिलेटिव स्पीड होगी वो क्या होगी, एन एस माइनस एन आर। ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड अप हो गई, एन एस माइनस एन आर, रिलेटिव स्पीड आपकी कम हो रही है, और मोटर स्पीड अप हो गई, एन आर की वैल्यू और बढ़ गई। मान लो एन एस की वैल्यू है 1500 आरपीएम, एन आर अभी है सपोज करो 500 आरपीएम, थोड़ी सी और बढ़ी तो 600 हो गई, 700 हो गई, 800, 900, 1100, 1200, इस तरह से एनआर की वैल्यू बढ़ती 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 कहां तक जाएगी, नियर टू एनएस। जो इंडक्शन मोटर है वो सिंक्रोनस स्पीड के बिल्कुल करीब तक पहुंच जाएगी, ताकि यहां पे इन दोनों के बीच में जो रिलेटिव स्पीड हो वो कम से कम हो। बात समझ में आई? अब मैं फिर से पूरे प्रिंसिपल को आपको ब्रीफ करता हूं, फिर से सुनिए आप। अब आप इसको नोट कर सकते हैं, व्हेन थ्री फेज सप्लाई इज गिवन टू स्टेटर या आर्मेचर ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर, ए रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड विच रोटेट्स इन एयर गैप एट सिंक्रोनस स्पीड। इट्स डायरेक्शन ऑफ रोटेशन डिपेंड्स ऑन फेज सीक्वेंस। सिंस सो नाउ देयर विल बी फ्लक्स कटिंग in stationary rotor conductors, there will be flux cutting in stationary rotor conductors, so EMF is induced. Since rotor is short circuited, so a current starts to flow in the rotor circuit, so there will be a rotor MMF. Due to the interaction of stator and rotor MMF, an electromagnetic torque is produced. Now the torque will have the tendency to rotate the rotor. As per Lenz law, effect opposes the cause. Here effect is torque production and cause is flux cutting. So the torque will try to rotate the rotor in such a direction so that the flux cutting should be minimized. So the motor will start to rotate in the same direction of rotating magnetic field so as to minimize the flux cutting. So in this way, the induction motor speed up and it starts to rotate in the same direction of rotating magnetic field. So this is the basic principle of three phase induction motor. तो हमने यहाँ पे induction motor की basic principle देखी। अब हम बात करें कि rotor किस speed तक run करता है। तो रोटर जो है नियर टू सिंक्रोनस स्पीड पहुंचता है। रोटर की स्पीड एनआर जो है ये कहां तक पहुंचती है, ये नियर टू सिंक्रोनस स्पीड, नियर टू एनएस, एग्जैक्टली सिंक्रोनस स्पीड पे नहीं पहुंचती है। रोटर नेवर रीचेस टू सिंक्रोनस स्पीड। क्यों नहीं पहुंचती है, देखो अगर एनआर की वैल्यू एनएस के बराबर हो जाए तो क्या होगा, अगर एनआर और एनएस बराबर हो गई तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी,
रिलेटिव स्पीड जीरो, ठीक है। अगर रिलेटिव स्पीड जीरो तो फ्लक्स कटिंग क्या हो जाएगी, फ्लक्स कटिंग भी होगी जीरो। अगर फ्लक्स कटिंग जीरो तो ईएमएफ इंड्यूस क्या हो जाएगी, ये भी होगी जीरो। रोटर करंट क्या हो जाएगी, जीरो। रोटर करंट जीरो तो रोटर की एमएमएफ क्या हो जाएगी, ये भी जीरो। रोटर की एमएमएफ भी जीरो, तो रोटर की एमएमएफ जीरो तो टॉर्क ही प्रोड्यूस नहीं होगी। सो मोटर विल बी अनेबल टू प्रोड्यूस इट्स टॉर्क। सो रोटर कभी भी सिंक्रोनस स्पीड पर नहीं पहुंचती, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो रोटर पूछा जाता है कि नेवर रीचेस टू सिंक्रोनस स्पीड, व्हाई। अगर रोटर सिंक्रोनस स्पीड पे पहुंच गई, एनआर अगर एनएस के बराबर हो गई, एनआर क्या है रोटर स्पीड, अगर ये एनएस के बराबर हो गई तो जो रिलेटिव स्पीड है वो जीरो हो जाएगी, फ्लक्स कटिंग जीरो हो जाएगी, ईएमएफ इंड्यूस जीरो हो जाएगी, रोटर करंट जीरो हो जाएगी, रोटर की एमएमएफ जीरो। सो टॉर्क विल बी जीरो, सो टॉर्क प्रोड्यूस हमारी जीरो हो जाएगी। इसी कारण से इंडक्शन मोटर की जो रोटर है इट नेवर रीचेस टू सिंक्रोनस स्पीड, ठीक है। अब एक टर्म आता है स्लिप, ठीक है, या स्लिप स्पीड। स्लिप स्पीड तो अब आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, द डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस स्पीड एंड द स्पीड ऑफ रोटर। लिख लो आप, द डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस स्पीड एंड द स्पीड ऑफ रोटर इज कॉल्ड स्लिप स्पीड। तो स्लिप स्पीड को हम एस टाइम्स एनएस से दिखाते हैं। स्लिप स्पीड इट कैन बी डिफाइंड एज डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस स्पीड एंड द स्पीड ऑफ रोटर, ठीक है। तो अगर हम आगे बढ़े तो एस दिस विल बी इक्वल टू एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस, और इसी एस को हम कहते हैं स्लिप, ठीक है। तो अब स्लिप की वैल्यू कितनी कैसे होती है, तो जो नो लोड कंडीशन है इसमें स्लिप की वैल्यू 1-2% के आसपास होती है, और फुल लोड कंडीशन में स्लिप की वैल्यू 2-5% के बीच में होती है। नो लोड में, नो लोड के कंडीशन में स्लिप की वैल्यू 1-2% के आसपास होती है, और फुल लोड के कंडीशन में स्लिप की वैल्यू, जैसे आप देख लो नो लोड पे, नो लोड कंडीशन में स्लिप की वैल्यू एस जो है ये 1-2% के बीच में होती है, और फुल लोड के कंडीशन में जो एस की वैल्यू है ये 2-5% के बीच में होती है, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे देखा। अब आप एक क्वेश्चन लिख लो, अब आप इसको खुद से करना, मैं डिक्टेट कर दे रहा हूं, लिख लीजिए आप। ए थ्री फेस 6 पोल 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर हैज ए स्लिप ऑफ 1% एट नो लोड, स्लिप ऑफ 1% एट नो लोड एंड 3% ऑन फुल लोड। क्वेश्चन है, ए थ्री फेज 6 पोल 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर हैज ए स्लिप ऑफ 1% एट नो लोड एंड 3% ऑन फुल लोड, ठीक है। डिटरमाइन, आपको डिटरमाइन करना है पहला सिंक्रोनस स्पीड, पहला आपको सिंक्रोनस स्पीड एनएस की वैल्यू निकालनी है। सेकेंड में आप लिख लीजिए नो लोड स्पीड। थर्ड में आप लिख लो फुल लोड स्पीड। फोर्थ में आप लिख लीजिए फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर एट स्टैंड स्टिल, जब रोटर आपकी स्थिर है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर एट स्टैंड स्टिल। फिफ्थ में आप लिख लीजिए फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर एट फुल लोड, ठीक है। ये आपको पांचों पार्ट करना है। अब एक चीज मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूं, देखिए जो रोटर की फ्रीक्वेंसी होती है, देखो स्टेटर के पैरामीटर्स को हम 1 से दिखाते हैं और रोटर के पैरामीटर को हम 2 से दिखाते हैं। तो ध्यान देना, जो रोटर की फ्रीक्वेंसी होती है F2 इट इज इक्वल टू S टाइम्स F1, जो रोटर की फ्रीक्वेंसी होती है स्लिप टाइम्स स्टेटर की फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है। और स्टेटर की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जो सप्लाई की फ्रीक्वेंसी होती है। आप ध्यान रखना, अब ये कैसे होता है इस पर हम डिटेल चर्चा नहीं करेंगे, ये सब फॉर्मूला आपको बीच में छोटा मोटा सवाल पूछा जा सकता है। सो आपको ध्यान रखना है कि जो रोटर की फ्रीक्वेंसी है वो स्टेटर की फ्रीक्वेंसी के बराबर नहीं होती है। तो रोटर की फ्रीक्वेंसी एस टाइम्स स्लिप टाइम्स स्टेटर की फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा, और स्टेटर की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जो सप्लाई की फ्रीक्वेंसी होती है। सो एफ टू दिस विल बी इक्वल टू एस टाइम्स एफ वन, ठीक है।
तो फ्रीक्वेंसी एफ टू दिस विल बी एस टाइम्स एफ वन। तो अब आप इसको देखो और इसको सॉल्व करो। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे एक टॉपिक इसमें बच रहा है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। सो वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।